कृष्ण सुदामा बचपन रा दोनों अभिन्न मित्र गुरु संदीपनी रे आश्रम में कृष्ण और सुदामा री शिक्षा पूर्ण हुई। दीक्षा शिक्षा पूर्ण हुई, दीक्षा रो वक्त आयो। कृष्ण भगवान मथुरा जी में कंस रो वध कर द्वारका री स्थापना की। सुदामा भी अपने वापस गांव लौट गया। सुदामा जाते हुए ब्राह्मण था। अब गांव में सुदामा बस्ती में जावे, जितनी भी भिक्षा मिले सुदामा अपने कुटिया में ले आवे और अपने पेट रो गुजारो करे। समय बीतने रे साथ समय इन प्रकार बीतन लागो। सुदामा रो विवाह हो गयो और विवाह रे पीछे इतिहास में इन प्रकार की बात आई कि एक दिन सुदामा अपने घर सो अपनी झोपड़े सो बस्ती रे वास्ते रवाना हो तो रास्ते में एक लाल रंग री एक पोटली गैला में पड़ी। सुदामा उन पोटली ने उठाई, बिना देखे अपनी झोली में डाल दी। पूरे गांव में भिक्षा लेवण वास्ते घूमया और उन दिन जोग संजोग सो भिक्षा भी कम मिली। सुदामा रे मन में थोड़ी सी उदासी आई कि हाँ शायद भूखो रहना पड़ेला। फिर भी एक मन में आस कि नगर सेठ रे घरे तो जरूर मिलेला कि इनके। सुदामा नगर सेठ रे पहुंचा तो नगर सेठ और सेठानी दोनों ही अपने आंगन में बैठा बैठा रो रहा है। सुदामा रे मन में चिंता हुई कि कहीं बात हो गई। फिर भी हिम्मत कर सुदामा सेठ जी ने पूछ लियो कि सेठ जी कहीं बात। सेठ जी बोले कि सुदामा मैं बिल्कुल निर्धन हो गया, कंगाल बन गया। सुदामा बोले कि सेठ जी बात का विषय बताओ। सेठ जी बोले कि मारे लाल रंगरी एक पोटली में मारे जीवन की पूरी पूंजी कमाई थी बात थी और वह पोटली मारी खो गई, गुम हो गई, कंगाल बन गया, मारे कने अब कुछ भी नहीं बचे। सुदामा अपनी झोली में सू वह पोटली निकाली, बारे सेठ जी ने दिखाई, कहो सेठ जी शायद आपरी पोटली तो नहीं है। पोटली ने देखी, सेठ जी ने मन में बड़ी खुशी हुई, बोले सुदामा आपने तो बोले कि सेठ जी मार्ग में गैला में पड़ी दिखी, मैं सोचो कोई चीज हुएला, मैं उठा और आपने दे दी। सुदामा री ईमानदारी सु प्रसन्न हो नगर सेठ अपनी पुत्री रो विवाह सुदामा रे साथ में कर दी। एक रा दो हो गया, समय बीत्यो, दो रा तीन हो गया, चार हो गया, सुदामा रे संतान हो गई। बस्ती में जितने भी भिक्षा मिले सुदामा अपनो गुजारो चलावे, पर धीरे धीरे भिक्षा मिलनी कम हो गई सुदामा रे भूख। सुदामा रा बुरा दिन आया, कई समय रात में खाने वास्ते मिलतो तो सुबह नहीं होतो और सुबह होतो तो शाम रो नहीं होतो। सुदामा री पत्नी एक दिन सुदामा ने कहो कि हे पतिदेव, आप हमेशा अपने मित्र बखान करो, आप हमेशा कहो कि कृष्ण भगवान हमारा मित्र है, तो यदि परमपिता परमेश्वर तीन त्रिलोकीरा नाथ यदि आपका मित्र है तो आपने घर में भूख क्यों है। एक बहुत ही सुंदर दोनों रो संवाद हो। सुदामा अपनी पत्नी ने समझाई, बोले कि हे धर्मपत्नी, हे अर्धांगिनी, आपने इन बात की खबर नहीं है, आप अज्ञानी हो। सुदामा एक बहुत सुंदर रचना सुदामा री एक बहुत सुंदर रचना प्रस्तुत करी। सुदामा बोले निर्धन रो धन साचो सावरो।
साचो सावरो दुर्बल जात सुदामा कहिए अरे पूछती उनकी नारी पूछती है उनकी नारी हरी सरी के मित्र तिहारे हरी सरी के मित्र तिहारे अजुअन गई दुविधा थारी निर्धनीरो धन साचो सावरो साचो सावरो अब सुदामारी पत्नी बोले कि हरी सरी के मित्र तिहारे फिर भी न गई दुविधा थारी। सुदामा बोले कि थने बात तो पतो नहीं है तो चुपचाप शांति कर, कर्म में जो चीज लिखी हुई उन्हें कोई नहीं टाल सके। सुदामा अपनी पत्नी ने बोले तेरी आजात समझ भी नहीं बोले क्या तू पति भाई पति तारी क्या तू पति भाई पति तारी धर्मों में तारी तारी लिखियो अरे कई करे मारो बनवारी निर्धन रो धन साचो सावरो साचो सावरो सुदामा अपनी पत्नी से वार्तालाप की, बोले तिरिया जात समझ भी न बोले क्या कुमती भरी मती थारी। बोले तिरिया जात वैसे भी बुद्धि नो विकास कम है, क्या कुमती भरी मती थारी और कर्मों में दारी दर लिखियो कहीं करे मारो बनवारी हो तो कर्म में लिखियो डो भूख तो रेडो पड़ेगा। सुदामारी पत्नी बड़ी समझदार थी, बोले पतिदेव आप यदि कर्म की बात करो तो कर्म तो और भी कई लोगों का परिवर्तन हुआ है। अहिल्या महर्षि गौतम रे श्राप से पत्थरी बन गई थी लेकिन वापस भी वापी तो नारी बनी, तो कर्म की बात मने मत समझाओ आप। सुदामारी पत्नी दो दो पेड़ कदम के तारे कदम के दो दो पेड़ी
दो दो पेड़ कदम के तारे साचो साबरो मने लागो की बात तो इन्हें सही है। बोले कि मैं खाली हाथ तो नहीं जा सकता और घर में एक दाणो भी है नहीं अनाज में। सुधा मेरी पत्नी बोले कि इन बात की चिंता मत करो, वह पड़ोस में गई और पड़ोसी कनु मांग चावल लाई, एक पोटले में चावल ने बांध सुदामा ने दिया, सुदामा द्वारका वास्ते रवाना हुआ। द्वारका जी पहुंचा तो पहरेदार सुदामा रा मेला कुचेला कपड़ा देख सुदामा ने भगा दिया। सुदामा बोले कि आपने राजा ने आप जान कह दो कि सुदामा नाम रो व्यक्ति बार खड़ो है। मेरे दर बोले कि मारा राजा थारे जड़ा सुगला आदमी सो नहीं मिले। फिर भी सुदामा आ जोड़न कहो कि एक बार आप जान कह तो दो, अवे नहीं अवे वावारी मर्जी है। सुदामा अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया, भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। पहरेदार सुदामा की बात मान अंदर गया। कृष्ण भगवान भोजन कर रहा, रुक्मिणी जी अपने आंसू भगवान ने भोजन करवा रहे। पहरेदार जा भगवान ने विनती करी, बोले हे प्रभु महल रे बार प्रवेश द्वार पर सुदामा नाम रो एक व्यक्ति खड़ो है और आप सो मिलने री जिद कर रहे हो। सुदामा रा नाम सुनते ही भगवान उन भोजन ने त्याग, नंगे पांव महल रे बाहर आया। सुदामा ने अपने गले सो लगा लिया, भगवान ने आंखा मुँह आंसू आवे, सुदामा रे आंखा मुँह आंसू आवे। बड़े प्रेम सो बड़े स्नेह सो सुदामा ने अपने महल तक ले आया, अपने राज सिंहासन पर सुदामा ने आसीन किया। सुदामा ने सेवा करी, अपने आंसुओं से सुदामा रा पांव चरण धोया। रुक्मिणी जी ने बड़ो अचंभो हुआ, क्यों इन प्रकार अड़ो मेहमान कभी देखे ही नहीं। कुछ दिन सुदामा रहा, एक दिन बोलिया कि कन्हैया मैंने जानो पड़ेगा, मैंने आज्ञा दे। भगवान कहो कि थोड़ा दिन और रुक जाओ। सुदामा बोले कि नहीं, मारी पत्नी मारो इंतजार करे, मारा बच्चा मारा बालक मारो इंतजार करे। सुदामा रवाना होने लगा, भगवान सुदामा ने रोकिया, बोले कि सुदामा थारे कंधा पर इतना दिनों से पोटली लटक रही है, पोटली में कहीं है, मैं देखने चाहूं। स्वाभिमानी सुदामा अपनी गरीबी ने छुपाई, बोले कि कुछ भी नहीं मारा कपड़ा है। भगवान वो पोटली खींच ली, खोल देखी तो चावल, भगवान ने एक मुट्ठी खा लिया चावल, दूसरी मुट्ठी भी खा लिया, तीसरी मुट्ठी में रुक्मिणी जी भगवान रो हाथ पकड़ ली। न सुदामा कुछ मांगियो न भगवान कुछ दियो,
सुदामा वापस रवाना हुआ। सुदामा रवाना हुआ और सुदामा रे गांव में वापस पहुंचा तो सुदामा री जट चौपड़ी बनोड़ी उन जगह पर एक सोने रो महल तैयार बनोड़ी। सुदामा ने बड़ो अचंभ हुआ, एक बार तो भ्रम हुआ कि शायद मैं दूसरा गांव में आ गया, वापस मुड़िया तो सुदामा उन भवन ने महल ने देख सुदामा मन में भय लागो कि कोई आकड़ी रचना हो गई। बोले अरे देवले देख डरे रे डरे, देवले देख डरे रे सुदामा, अरे मंदिर देख डरे रे डरे, देवल देख डरे रे सुदामा, रे सुदामा हो। और सुदामा उन महल ने देख सुदामा ने भय लागो। सुदामा अपने मन में विचार करने लगा कि वो कहीं हो गयो, आकड़ी रचना हो गई। बोले यहां होती मेरी राम कुटिया, यहां कोई नरपति आउती रे, यहां होती मेरी राम कुटिया, यहां कोई नरपत आ उतरे, या कोई भगवान या कोई राजा मारी कुटिया पर कब्जो कर लियो, कोई महल बना लियो। सुदामा ने भय लागो, बोले मृदंगी ताली पखा बजी बाजे, मृदंगी ताली पखा बजी बाजे, नटवा नृत्य करे करे, देवल देख डरे वो सुदामा हो। सुदामा ने भय लागो, मृदंग ताल पखावज बाजे, सुदामा रे स्वागत में ढोल ढमाका बाजे, सुदामा ने और भय लागो क्या कोई जादू है। सुदामा बड़ी हिम्मत कर उन महल रे प्रथम प्रवेश द्वार में प्रवेश किया तो पहली पौड़ी गज हस्ती झूले, अरे दूजी माई तुरंग खड़े, ए दूजी माई तुरंग खड़े, तीसरी पौड़ी विश्वकर्मा ठाडे, तीजी पौल विश्वकर्मा ठाडे, हीरा रतन जड़े रे जड़े, देवल देख डरे वो सुदामा हो, हो। Yeah.
डरे वो सुदामा अब प्रथम पौल गज हस्ती झूले दूसरी माई तुरंग खड़े और तीसरी पौल विश्वकर्मा ठाडे हीरा रतन जड़े वे जड़े स्वयं भगवान विश्वकर्मा जी सुदामा रे महल में हीरा पन्ना जड़ित कर रहा है। सुदामा रो मा तो पूरो घूम गए अब वो समझ में आ नहीं रही बात कि इन जगह पर तो मारी कुटिया थी वो हो कहीं रहे हो। अब सुदामा उठी ने देखे ऊपर नीचे वो तो बहुत जबरदस्त महल बनो भगवान री लीला परमपिता परमेश्वर री लीला। इतने में सुदामा री पत्नी ऊपर रानी रो वेश कियो ऊपर खड़ी सुदामा ने आवाज लगाई बोले हे पतिदेव इधर उधर कई डोले पांड्या इधर उधर कई डोले पंडिता कहीं को सोच विचार करे। अब सुदामा की पत्नी बोले कि इधर उधर मुंडी कहीं घुमा रहे हो अंदर आओ ने चुपचाप। सुदामा ऊपर देखो और भी इधर उधर कई डोले पंडिया वो सुदामा सुदामा की पत्नी बोले कि पंडित जी आठ जिन्हें उठ जिन्हें मुंडी क्यों घुमा रहे हो चुपचाप अंदर आ जाओ अपनो ही जे। सुदामा रे समझ में आई कि मारा भगवान की लीला है। आहा क्या बात है। तो भगवान अमीरी गरीबी नहीं देखे कोई रंग रूप खूबसूरती नहीं देखे। भगवान श्री राम शबरी ने झूठा बेर खाया भगवान कृष्ण दुर्योधन रा मेवा त्याग विदुर जी ने घरे जा रोकी सूखी रोटी रो भोग लगाए। तो भगवान तो प्रेम देखा करे आप मेरे भक्तों मन देखा कर। तो अंत में सुदामा बहुत सुंदर बात लिखी मैं निवेदन करूं आप सभी लोग सुने जीवन सफल होनो बोले तीन लोकियों ने चौदह भवन में अरे तीन तीन लोग और चौदह भवन में मारो दीनानाथ दया करे। भगवान अपने भक्त ही सोचा करे भक्त के भक्त श्रोमणी मीरामाई लिखो कि भक्त के वश में है गिरदारी चार बुजारो ना बोले तीन लोग की अरे चौदह भवन में Thank you.
दरवीर जी माली साहब ध्यान दे। दास सुदामा और विशेष रूप से हमारे छोटू लाल जी जो राजस्थान के बहुत ही सुंदर वीडियो एल्बम के निर्देशक है, कैमरामैन अनिल जी, विष्णु साहब, ये अशोक जी, प्रजापति, सभी लोग इस बात को ध्यान कर ले। छोटला जी आप तो सुने। दास सुदामा दास सुदामा दास सुदामा नाक भरोसो नाक भरोसो दास सुदामा राख भरोसो अरे दुखदारी दर दूर करे देवले देव डरे वो सुदामा ओ सुदामा मंदिर देख डरे डरे मंदिर देवल देख डरे वो सुदामा मंदिर देख डरे सारे सारे घर सारे घर सारे गम घर जा सारे गम घर जा सारे गम बम घर जा सारे घर सारे सुदामा